हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं हाउस वायरिंग के ऊपर वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हाउस वायरिंग कैसे होता है घर में, उस पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो देखें और वायरिंग करना सीखें। बहुत आसान है वायरिंग करना, कोई मुश्किल नहीं। वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। इसमें मैं पूरा अच्छे से करके वायरिंग मैं बताया हूँ, गल्फ से रिलेटेड ही वायरिंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक करें, इससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, सबसे पहले आप देख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट लाइक कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इधर से तीन वायर डालना है फेस न्यूट्रल अर्थ, रेट का सर्किट है। इसको यहां लाना है, यहाँ लाने के बाद वायर को अलग करना है। अलग करने के बाद फिर वायर को नाप लेना है स्विच में कितना नीचे जाए। इसमें दो अर्थ है और दो रेड वायर है, एक जो डीबी से आया एक वो है और एक हाफ डाल रहे हैं। चार वायर है इसमें, ये चार वायर इधर नीचे डाला। अभी इसमें एक मेन बाकी है डालना, इस बॉक्स से, इस जीआई बॉक्स से उस जीआई बॉक्स में मेन अभी एक बाकी है, वो अभी डालेंगे। वायर एक बार में नहीं था उतना, इसके लिए अलग से उसको डालेंगे। ये दो अर्थ हो गया, एक लूप अर्थ है, एक डीबी से जो आया वो अर्थ हो गया। ओके, ध्यान से देखें। अब यहाँ एक हाफ है एक, और एक ये एक जो अभी डल रहा है एक मेन है, ये उस बॉक्स के लिए। अब यहाँ टोटल वायर हो जाएगा, दो वायर है, रेड दो दिख रहा, एक रेड यहीं रहेगा जो हाफ है और एक सीधा उस जेबी बॉक्स, सॉरी उस बॉक्स में जाएगा, जीआई बॉक्स में जो स्विच बॉक्स है उसमें ये जाएगा। उसका नाप के मैं काट लिया। काटने के बाद इसमें फिर मैं कभी मिलाएगा अर्थिंग, अर्थिंग चाहिए इस जेबी जंक्शन बॉक्स से उस बॉक्स में ले जाने के लिए, तो जिसमें एक न्यूट्रल का भी दरकार पड़ेगा। ये तीन वायर हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। ये तीन वायर को टेप मारा, टेप मारने के बाद सीधा इधर से डालेगा उस बॉक्स में, निकालेगा लाइट बॉक्स में, जेबी जंक्शन बॉक्स, उस जंक्शन बॉक्स में निकालेगा। ये देखिए इधर निकाला, अब यहाँ न्यूट्रल को यहीं ब्रेक कर देगा। और बाकी दो वायर जो है, एक मेन है और एक अर्थ है, ये दोनों नीचे जाएगा। इसके साथ में एक और वायर डालेगा, अभी देखें इसको काट दूं पहले। ये हो गया, इधर दो न्यूट्रल हो गया, दो अर्थ हो गया, एक हाफ है, ये पांच वायर हो गया यहाँ। इसके बाद यहाँ से फिर अब ये न्यूट्रल इधर बड़ा है, इसको बैक उधर ले लेगा वापस। बाकी दो वायर नाप लिया है स्विच बॉक्स में कितना लंबा जाएगा, ये देखिए अलग किया। अब इसके साथ दो वायर मिलाना है क्योंकि ये अर्थिंग तो नीचे चला जाएगा, नीचे से फिर ऊपर आ जाएगा। ये लूप, लूप चाहिए बस, अर्थ और न्यूट्रल। न्यूट्रल स्विच बॉक्स में नहीं जाएगा, इंडिया में न्यूट्रल को भी स्विच बॉक्स में लाते हैं क्योंकि उसमें सॉकेट भी होता है इसके लिए। यहाँ सॉकेट अलग होता है और स्विच बॉक्स स्विच मतलब अलग होता है, दोनों सेपरेट सेपरेट होता है। इसके लिए स्विच बॉक्स में कभी भी न्यूट्रल जाएगा ही नहीं। ये देखिए अब इधर ऊपर बचेगा तीन वायर लाइट बॉक्स में, एक हाफ हो गया, एक अर्थ हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। ये हो गया कटिंग, ये तीन हो गया। लास्ट पॉइंट कहीं भी बनेगा तो ये तीनों वायर आएगा और आगे पॉइंट बनेगा तो फिर यहाँ से न्यूट्रल को भी लूप ले सकते हैं, अर्थ को भी लूप ले सकते हैं और यहाँ से मेन भी ले सकते हैं अगर वही सर्किट में है तो। और सर्किट अगर चेंज है तो फिर उसके लिए डायरेक्ट वहाँ से इलेक्ट्रिकल रूम जो होता है वहाँ से डायरेक्ट वायर, तीन वायर उठा के सीधा लाना पड़ेगा। सेम सेम इसी तरह से जैसे इसमें मैं करके आपको बताया है, इसमें आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दो अर्थ, दो न्यूट्रल, एक हाफ कनेक्टर लगा के यहाँ लगाते हैं कनेक्टर। कनेक्टर लगाने के बाद ये जो तीन वायर है ये इलेक्ट्रिकल रूम से सोचो आ रहा है, ठीक है, ये मेन है और इसमें दो लाइट है
और दो स्विच बॉक्स है, दो स्विच लगेगा इसमें, सही है। ये तीन वायर इधर से मैं लाया, इधर से लाने के बाद मैं दिखाना चाहूँगा इसमें एक रेड, एक ब्लैक, एक येलो ग्रीन गया और उधर से वापस आया, ये एक अर्थ और ये एक रेड वायर, सही है। ये रेड वायर और एक अर्थ इधर आया, उधर से आया तीन वायर, वो तीन सिर्फ न्यूट्रल नहीं जाएगा उधर नीचे, इधर से जो तीन वायर आएगा इलेक्ट्रिकल रूम से, ये आने के बाद न्यूट्रल यहाँ काट देना है, न्यूट्रल ये देखिए ये कटिंग कर दिया, और उधर मेन गया है फेस और एक येलो ग्रीन गया है, उसके साथ एक येलो ग्रीन और डालना है दूसरे बॉक्स के लूप के लिए, इसको यहाँ छोड़ना है, इसके लिए एक हाफ वायर, एक ये हाफ हो गया, एक ये इसके साथ डालना है, तो ये वायर हो गया, चार वायर हो गया, एक मेन जो गया, एक मेन हो गया, एक इधर भी मेन हो गया, और एक मेन यहाँ से सीधा उस वाले बॉक्स के लिए एक यहीं से लूप कर गया, ये हो गया, और ये हो गया हाफ, और ये अर्थ लूप हो गया इसमें से, ये अर्थ इसमें जब लगेगा, ये टर्मिनल है इसमें देख रहा हूँ, हाँ ये मेन है एक अर्थ और एक इसमें से लूप है उस बॉक्स के लिए और लाइट के लिए। तो यहाँ से मैं लाया और लाने के बाद फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टोटल हो गया पांच वायर है, दो अर्थ है, ये दो अर्थिंग हो गया, एक हाफ वायर और ये दो ब्लैक न्यूट्रल, यही न्यूट्रल यहाँ से ये लूप है ये वाला, ओके। और ये जो है ये हाफ वायर है, ये डायरेक्ट आया है यहाँ से, देख सकते हैं ये जो वायर है यहाँ से सीधा उठ के ये इधर से होते हुए ये वायर इसमें आया, इसमें दो अर्थिंग है, एक अर्थिंग उस वाले लाइट से आ रहा है, सही है। यहाँ से ये अर्थिंग को यहाँ से यहाँ लूप दिया, क्योंकि लाइट को भी अर्थ चाहिए और ये स्विच बॉक्स को भी अर्थ चाहिए, तो यहाँ हो गया मेरा चार वायर, एक मेन हो गया और एक हाफ वायर है जो देख सकते हैं ये ऊपर है, ये लाइट के लिए हो गया, ये दो और दो चार वायर इधर है, दो अर्थ हो गया और दो रेड हो गया, सही है। और इसमें हो गया पांच वायर है, दो अर्थिंग और तीन रेड वायर है, दो मेन है, एक मेन इसमें आया, एक मेन इसमें से निकल के दूसरे वाले उस वाले बॉक्स में जा रहा है, ओके समझ गए होंगे, बहुत आसान है, यहाँ ऐसे ही होता है गल्फ में वायरिंग। दो न्यूट्रल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो न्यूट्रल, एक न्यूट्रल आया डीबी से, एक न्यूट्रल ये लाइट से, वो लाइट उस वाले लाइट में गया, ओके। इसमें से जो तीन वायर आया, इसमें से एक न्यूट्रल यहाँ छूट गया और एक रेड वायर जो मेन है वो सीधा यहाँ बॉक्स में आया और ये बॉक्स से उस बॉक्स में मेन चाहिए और ये लाइट के लिए हाफ चाहिए, दोनों सिंगल सिंगल स्विच से है, तो इसीलिए इसमें तीन वायर हो गया है, एक इसमें हाफ वायर है और दो मेन है, एक डीबी का मेन है और एक उस बॉक्स के लिए मेन है, ओके। और इधर ये तीन वायर इसलिए है, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में तीन ही वायर होता है, ये अर्थ हो गया, एक न्यूट्रल है, एक मेन है, ये हाफ है और इधर ये चार वायर है, जैसा आप समझ पा रहे होंगे, ओके।